ठीक है, इस तरीके से आपने सारे हेयर्स को स्प्रेड करना है, डोनट पर देना आपने इसको अच्छे से पोनी की हेयर्स को सेट करना है। लाइन क्रिएशन करनी है बहुत इजी तरीके से। यू कैन सी मैंने कितना स्मूथ जो है इसको लिया है और मैंने इसकी लाइन को क्रिएट किया है, बनता जा रहा है एंड यू कैन सी क्रिएशन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हेयर पिन की हेल्प से आपने इसको यहाँ पे सेट करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्टाइलिश सा ब्राइडल हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ जो कि बहुत इजी से टेक्निक से शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हमने क्या करना है, एयर टू एयर पार्टीशन करना है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एयर टू एयर सेक्शन जो हम करते हैं वो एयर हमारे जो एयर होता है उसकी बैक वाली साइड से हम लेते हैं, देन हम अदर एयर की तक जो है उसको पार्टीशन को करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। देन आप जब ब्राइडल स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा अगर आपको हैवी साइड लुक भी चाहिए होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से थोड़े हेयर्स को फ्रंट पे निकालना है ताकि आप इस इन हेयर्स में भी स्टाइलिंग कर सके। बोथ साइड इक्वली आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, बहुत इजी हेयर स्टाइल है ब्राइडल जो कि बहुत स्टाइलिश लगता है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि कहीं से कोई टेक्निक मिस ना करें और इजी वे में आप सीख सकें। इस तरीके से आपने हाई पोनी बनानी है। ठीक है, जो कि जिसमें हमने जो है डोनट सेट करना है। अगर आप हैवी डोनट सेट करना चाहते हैं तो आप हैवी भी कर सकते हैं। मीडियम साइज का मेरे पास इस वक्त डोनट है, उसको मैं एडजस्ट करूंगी। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू फेस और हाइट ब्राइड के जो है आप डोनट की सेटिंग कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे हेयर्स को स्प्रेड करना है डोनट पर, देन आपने इसको अच्छे से पोनी की हेल्प से इसको सेट करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, आपने रबर बैंड को इस तरीके से फिक्स करना है डोनट पर। ठीक है, लाइक दिस, इससे हमारा डोनट भी हाइट होगी, हमारी स्टाइलिंग भी यहाँ से जो है वो फिनिशिंग साथ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, देन आपके पास जो ये वाले हेयर्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे से जो है इस तरीके से चोटी बनानी है और उसको एडजस्ट करना है इसके अराउंड। बहुत इजी स्टाइल है, फोकस करिएगा टेक्निक्स पर। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आपके साथ शेयर करूँ और आपको इजी वे में सिखा सकूँ। तो प्लीज़ आप जो है वो वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। कुछ नहीं समझ आया करें तो कमेंट करके बता दिया करें। ठीक है, इस तरीके से आपने ट्विस्ट करने के बाद आपने एडजस्ट करना है डोनट के राउंड, देन आपने जुड़ा पिन को एडजस्ट करना है। जुड़ा पिन को किस एंगल में मैं एडजस्ट करी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने फोर साइड्स जो है जुड़ा पिन को एडजस्ट कर देना है। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्टाइलिंग, तो आप फोकस किया करें टेक्निक्स को। ठीक है, जो कि बहुत मैटर करती है। देन हम फ्रंट पर आएंगे, मेरे पास रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है, उससे मैंने जो है इसको लाइटेड आयरन करना है, जैसे कि क्रिम्पर हुआ हुआ है आप देख सकते हैं, मैंने जो है वो पहले ही क्रिम्पर कर लिया था। तो मैं लाइट इसको आयरन करूँगी ताकि मुझे फिनिशिंग से जो है लुक मिल जाए स्टाइलिंग का। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल लाइट सा सेक्शन को लेती जा रही हूँ और आयरन करती जा रही हूँ। बहुत लाइट सा चाहिए मुझे, बिल्कुल फाइन नहीं करना वरना फिर हमारी क्रिम्पर जो होता है वो खुल जाता है। तो मैं लाइट सा करना है कि हमारी हेयर स्टाइलिंग के लिए फिनिशिंग अच्छी सी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप उठाकर फ्रंट वाली साइड से लाइट सा आयरन कर लें, बोथ साइड से आपने आयरन करना है। सेंटर में जो है मैं बिंदिया को सेट करूंगी इस तरीके से। बिंदिया में जो साइज था वो छोटा था इसकी चेन का, तो मैंने इसमें इनविजिबल से इस तरीके से आप देख सकते हैं एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, ताकि ये हमारी बैक तक जो है एडजस्ट ईजिली हो जाए। ठीक है, आपने अच्छे से जो है बिंदिया को एडजस्ट करना है, बहुत ईजी है, आपने फोकस करना है टेक्निक्स पर। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ भी आपके पास शो होती रहें और आप इजी वे में मेरे साथ कनेक्ट होकर स्टाइलिंग सीखते रहें। तो आपने इस तरीके सेक्शन को लेना है फ्रंट वाली साइड से और उसको लाइट सा बैकग्राउंड करना है ताकि हमारी बिंदिया जो है वो यहाँ स्टक हो जाए लाइक दिस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बहुत ईजी है, आपने लाइन टू लाइन स्टाइलिंग की एडजस्टमेंट करनी है बहुत स्टाइलिश तरीके से। तो आपने क्या करना है, फर्स्टली आपने यहाँ से फिनिशिंग देनी है। ठीक है, ये आयरन वाले जो हेयर्स थे उनको मैंने लाइट सा यहाँ पे क्रिम्पर वाले हेयर्स को लाइट से आयरन किया है। आपने क्या करना है, जो आपका ये पार्ट है इसको आपने लाइन टू लाइन लेते जाना है और इस तरीके से नेचुरल बैकग्राउंड करते जाना है अच्छे से रूट्स पे। ठीक है, ताकि आपकी यहाँ पे हाइट अच्छी से आ जाए। आप फोकस करिएगा, मैं बिल्कुल रूट्स पे बैकग्राउंड कर रही हूँ ताकि हमारी हाइट अच्छी आए। ठीक है, इस तरीके से आपने हाइट देनी है। फिनिशिंग देते हुए आपने अपनी स्टाइलिंग को डन करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन टू लाइन लेते जाएँ और इस तरीके से बैकग्राउंड करते जाएँ। लाइन टू लाइन आपने इस तरीके से बैकग्राउंडिंग करनी है। ठीक है, एंड यू कैन सी बहुत इजी वे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको देखने में लगेगा कि बहुत जो है वो टिपिकल जो है स्टाइल है, बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी टेक्निक बताऊंगी, तो फोकस करिएगा। ठीक है, फिंगर्स के एडजस्टमेंट पे फोकस करिएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पार्ट लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने पार्टीशन लेना है। ठीक है, अगर कलर हेयर हुआ करें तो आप देखा करें कि उनकी लाइन्स की एडजस्टमेंट ना स्टाइलिंग में एडजस्ट होती हुई अच्छी आए, क्योंकि जब हम कलर के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं तो हमारा स्टाइल और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरीके सेक्शन को लिया। ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड किया, अगेन यहाँ सेक्शन लिया, अगेन आपने यहाँ से हाइट दी, यहाँ पे बैकग्राउंड किया ताकि हमारी यहाँ से बैलेंस जो है वो अच्छा आना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, लाइट सा स्प्रे करना है इस तरीके से। ठीक है, लाइंस क्रिएशन करनी है बहुत इजी तरीके से। यू कैन सी मैंने कितना स्मूथ जो है इसको लिया है और मैंने इसकी लाइंस को क्रिएट किया है। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगी हेयर पिन की हेल्प से। ये देखें कितनी अच्छी हमारी क्रिएशन हुई है लाइंस की, फिंगर से ही जस्ट आप देख सकते हैं कितना इजी वे में मैंने आपके साथ ये शेयर किया है।
हम कितनी मुश्किल मुश्किल जो है मेथड के साथ लाइनिंग सीख रहे होते हैं बट हमें नहीं समझ आ रहा होता, तो ये बहुत इजी वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बहुत आपने फोकस करके सीखना है, आपने सेक्शन को निकालना है, यहाँ से आपने सेक्शन को निकालना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, जो ये वाले हेयर्स हैं इनको अच्छे से यहाँ से बैक ऑन करना है, ठीक है। फिनिशिंग देकर आपने इसको हाइट देनी है अच्छे से, ठीक है। हाइट देने के बाद आपने इसमें सेटिंग करनी है लाइंस क्रिएशन की, बहुत इजी वे में, ठीक है। इस तरीके से आपने फिंगर से पहले गाइडलाइन बना लिया करें तो क्या होता है, हमें इजी हो जाता है स्टाइलिंग को सेट करने में, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लिया, अब आप इसकी सेटिंग कर लें। ये देखें आप, मैं किस तरीके से लाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप लाइट सा स्प्रे करेंगी इस तरीके से, और आपने इसको स्टाइलिश तरीके से जो है लाइंस को क्रिएट करना है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हमारी स्मूथ लाइंस क्रिएट हो गई हैं। और अब हमने इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, लाइट सा मैं अगेन स्प्रे करूंगी ताकि इस वाली साइड पे जो है वो फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको इन साइड इसको लिया है ताकि हमारी यहाँ की लाइंस भी अच्छी क्रिएट हो। और अब मैं इसको इसके इन साइड से इसको एडजस्ट करूंगी, ठीक है, और पिंस की हेल्प से इसको यहाँ सेट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग ही इसके साथ सेट कर लूंगी। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाली साइड पर आपने सेक्शन लिया, इसको आपने डिवाइड करना है इस तरीके से, लाइट सा आपने स्प्रे करना है, ठीक है। इस तरीके से स्प्रे किया, फिनिशिंग दी आपने, ठीक है। ये देखिए आप, मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ, और उसके बाद इसकी लाइंस को इन्हेंस करते हुए स्टाइलिंग को मैं सेट करूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने सेट करना है इसको इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिज़ाइनिंग आपने अपने हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग करनी है, ठीक है। इजी वे में आपने बनाना है, ये ऑल ओवर फेसेस पर आप बना सकती हैं, लॉन्ग फेस पे भी, और अगर ओवल फेस है तो उन पे भी आप बना सकती हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेयर्स छोड़नी है कर्ल्स के लिए, ठीक है। ये वाला सेक्शन लेना है, इसको आपने कर्ल कर वो लाइंस क्रिएट करनी है, इसमें भी इस तरीके से स्प्रे किया आपने, और आपने इस तरीके से लाइंस को फिंगर्स की हेल्प से क्रिएट करना है। एंड यू कैन सी कितनी अच्छी हमारी लाइंस क्रिएट हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस सेक्शन को लेना है, इसमें आपने इनसाइड बैकॉम करना है, फ्रंट पे लाके आपने इस तरीके से यहाँ बैकॉम करना है ताकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा सा हमें मिल जाए, ठीक है। देन आपने फिनिशिंग देनी है इस तरीके से, और इसके बाद आपने यहाँ पे हेयर पिन की हेल्प से सेट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, हेयर सारे हेयर्स को इस तरीके से फ्रंट पे लाके आपने पिन अप करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं फ्रंट वाली साइड पे हमें हेयर्स आ गए, तो हमें क्या हुआ, ईजी हो गया हमारे लिए कि हमें वॉल्यूम जो फ्रंट वाली साइड पे मिल गया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसकी सेटिंग करेंगे, टेल कॉम की हेल्प से फिनिशिंग देंगे इस तरीके से, ठीक है। और हम इसमें लाइंस क्रिएट करते हुए इसको सेट करेंगे बहुत इजी वे में। ये हमारा स्टाइल जो है फिनिशिंग के साथ बनता जा रहा है, एंड यू कैन सी क्रिएशन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हेयर पिन की हेल्प से आपने इसको यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, इसकी क्रिएशन को हमने एडजस्ट करना है ऑल ओवर फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन आप हेयर पिन की हेल्प से इसको यहाँ से भी सेट कर लें ताकि ये उठे नहीं, क्योंकि ये बुरा लग रहा होता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग कर लें। यू कैन सी फ्रंट से कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। जैसे हम ये वाली साइड पर आ गए हैं, यहाँ पे लाइट सा बैक ऑन करेंगे, फिनिशिंग के साथ हम इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। लाइन्स आप देख सकते हैं मैंने किस तरह बनाई है, बहुत ईजी वे में आप देख रहे हैं कि इसकी लाइन्स हमारी क्रिएट हुई हैं। कुछ भी नहीं समझ आया करें तो कमेंट में पूछ लिया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियोस बनती हैं, आपको पता है, सिर्फ आपके लिए शेयर करती हूँ कि आप इजी वे में घर बैठे स्टाइलिंग सीख सकें, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। अब आपने फ्रंट वाली साइड पे आना है, ठीक है। इस वाली सेक्शन को भी आपने लेना है इजी वे में, आपने इसकी भी लाइंस को इसी तरीके से क्रिएट करते हुए इसकी एडजस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू जो है ये वाली साइड आपने इसकी कवर करनी है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने हेयर पिन लगाई और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमारा लुक क्रिएट हुआ है। इस तरीके से बैकऑन करना है आपने, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल जाए। अब अगेन हमने हेयर पिन लगानी है, किस तरीके से फ्रंट वाली साइड पे करके लगानी है, ये देखें इस तरीके से आपने हेयर पिन लगाई, हमारे फ्रंट पे सारे हेयर्स आ गए, हमें वॉल्यूम फ्रंट वाली साइड पे मिल गया। अब हमने फ्रंट वाली साइड से इसको फिनिशिंग देकर इसके साथ हमने इसकी लाइंस क्रिएट करते हुए इसकी एडजस्टमेंट करनी है। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल सा हमारा बोथ साइड्स इक्वल कर्ल्स का जो लाइंस का जो लुक है वो क्रिएट हो गया है। मोस्टली लोगों को मसला होता है कि लाइंस क्रिएशन हमें नहीं आ रही होती, और जुड़ा पेन की हेल्प से तो बॉब पेन की हेल्प से हम लाइंस क्रिएट कर रहे होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला हो जाता है काम, और उसमें कभी कभी क्रिएशन भी अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत ईजी वे में और यूँ चटपट वाला काम है, समझे, कि आप बहुत स्पीडली जो है ये क्रिएशन करके स्टाइल अपना डन कर सकते हैं ब्राइडल्स का। तो आप देख सकते हैं लाइंस कितनी अच्छी हमारी क्रिएट हुई है। आफ्टर आप इसके जो है वो स्प्रे करें, हाथ रख के आपको जैसे सूटेबल लगे फिनिशिंग के साथ स्प्रे कर दें, ताकि अगर मेकअप हुआ हुआ है तो हमारा स्टाइल खराब ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप फिनिशिंग दे दें और आप देख सकते हैं हमारा स्टाइल यहाँ पे डन हो चुका है। हमारे पास एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, उनको आपने ट्विस्ट करना है इस तरीके से, और आप इसको बैक पे एडजस्ट कर दें जुड़ा पिन की हेल्प से, हेयर पिन की हेल्प से, जो आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग कर दें लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है ऑल ओवर, आप देख सकते हैं। अब जो हमारे फ्रंट वाले हेयर्स हैं उनको हम अच्छे से टर्न कर्ल्स करेंगे,
बहुत फिनिशिंग के साथ आपने वर्किंग करनी है। ब्राइडल स्टाइल मैंने बहुत ईजी टेक्निक साथ शेयर किया है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा हमारा ब्राइडल का जो है वो हेयर स्टाइल डन हुआ है। जिनको हैवी लुक चाहिए होता है उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट स्टाइल है। यू कैन सी कितने स्मूथ हमारे कर्ल हो रहे हैं और कितना स्मूथ सा हमारा जो स्टाइल का लुक आ रहा है। जिनको मैसी सा और थोड़ा हैवी सा लुक चाहिए होता है जुड़ा स्टाइलिंग में तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट स्टाइल है। ये देखिए आप कितने अच्छे से हमारे कर्ल हो गए हैं, आप देख सकते हैं हमारा स्टाइल ऑल ओवर डन हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल सा लाइन क्रिएशन वाला मैंने लुक आपके साथ शेयर किया है। बोथ साइड से आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। सो आज का मेरा स्टाइल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ये लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।